मैं कुछ जरूरी काम से 20-22 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें इस ऑफिस का हेड बनाकर यहां के सारे काम का भार तुम्हारे ऊपर छोड़कर जाऊं। मैं सारे कागजात और पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम तैयार करवा देता हूं, जिसके बाद तुम इस कंपनी के हित में हर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। जो गलती आप कर चुके हैं वापस नहीं हो सकती। अभी तो ये शुरुआत है। अपनी इस गलती का और क्या क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। ज्यादा खुश मत होइए। मैं पूजा को लेकर गोरखपुर नहीं जा रहा, मैं यहाँ पटना में ही रहूंगा और आप देखिए कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता। घुटन होती है मुझे आपके साथ रहने में। परेशान क्यों है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैंने भी काफी देर से नहीं देखा। सुबह सुबह अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी, मैंने पूछा तो मुझ पर ही नाराज हो गई। मैं तुम्हारी माँ की नाराजगी की वजह जानता हूँ, वो किसी और से नहीं मुझसे नाराज है। उसका गुनहगार कोई और नहीं, सिर्फ मैं। मैं समझ गया कि वो कहां हो। वो सम्राट से मिलने गई होगी, अपने बेटे से, जिससे मिलने के लिए 24 साल से वो तड़प रही थी। वो मिला भी तो बिछड़ गया मेरी वजह से। पापा, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? आपने थोड़ी ना भैया को अलग रहने के लिए कहा है। फिर भी बेटा, वजह तो मैं ही हूं ना। बेटा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया, तुम लोगों के सुखी जीवन के लिए किया, लेकिन हर कोई मुझे गलत समझता है। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। हर किसी की निगाहों में मैं एक दगाबाज, धोखेबाज, एक दगाबाज, धोखेबाज हूं। तुम भी चली जाओ बेटा, तुम भी अपनी मां और भाई के पास चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी मेरी बनौसियत का साया पड़ जाएगा। जाओ जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कोई आपको कुछ भी समझे, मैं आपको कभी गलत नहीं समझ सकती, कभी नहीं पापा।
था पापा। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। चारों तरफ से परेशानी का दौर शुरू हो गया है, ना तो कोई काम ऑफिस में ठीक ठाक हो रहा है, ना कुछ घर में ठीक है। लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। पापा, आप एकदम हताश क्यों हो गए? बोलिए ना पापा, किसका फोन था? बेटा, एक 5 करोड़ का टेंडर जो कि हर हालत में अपनी कंपनी को मिलना चाहिए था, वो निकल गया। वो अपने हाथ से निकल गया बेटा, जबकि सबसे लोएस्ट रेट भरा था मैंने। मैं जानता हूं ये काम किसने किया है, किसने मेरे टेंडर को हथिया लिया है, पर मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे को पहले ही काफी दुख पहुंचा चुका हूं। अब तो बस बैठे बैठे उसके हाथों अपनी बर्बादी का तमाशा देखना है, अपनी बर्बादी का तमाशा देखना है। सम्राट भैया, ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको उनको रोकना पड़ेगा। पूजा, जब से तुम लोग घर छोड़ करके यहाँ आ गए, मन में हर समय तुम्हारे और सम्राट का ख्याल आ रहा था। जब रहा नहीं गया तो मैं बैग उठाकर यहाँ आ गई। अब से मैं यहीं रहूंगी। पूजा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसी बात कर रही हैं माँ जी, ये भी तो आप ही का घर है, पर इस समय आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बाबूजी अकेले हो जाएंगे, अपने बेटे की नफरत की वजह से तो वो ऐसे ही डिस्टर्ब हैं। आप भी उनको छोड़ देंगी तो? नहीं नहीं माँ जी, इस समय उनको छोड़ना ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम लोग भी मेरे साथ वहां रहो। तुम लोगों के बिना मैं वहां नहीं रहूंगी। माँ जी, ऐसा ही होगा, मेरा विश्वास कीजिए, पर अभी नहीं। मैंने कल रात को इन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, पर इनके दिमाग में तो एक ही भूत सवार है, सिर्फ अपने बाबूजी से बदला लेना बस। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं उनको जरूर मना लूंगी, फिर हम सब साथ रहेंगे। मम्मी, आओ अंदर आओ। मैं मम्मी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मम्मी, आप बिना किसी को बताए यहाँ आ गई, ये भी नहीं सोचा कि वहाँ लोग परेशान होंगे? मेरे लिए कोई परेशान होने वाला नहीं है। है मम्मी, है, मैं हूँ, पापा है, वो कितने चिंतित है और दुखी है, आपको पता नहीं है, बार बार खुद को कोस रहे हैं, सुबह से 20 बार पूछ चुके हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। अरे माँ, हिमानी, कब आए आप लोग? भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं।
जाने अनजाने में आपने पापा के खिलाफ जो भी कुछ किया है और कर रहे हैं वो सब रोक दीजिए। इस सब से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, हर किसी के हिस्से में सिर्फ दुख आएगा दुख। आप सब भले ही उनका साथ छोड़ दीजिए पर मैं अपने पापा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही उनके खिलाफ आपको जाने दूंगी। हिमानी, अपने भैया से कैसे बात कर रही हो? सही कह रही हूँ मम्मी, और आपको भी अपना पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए। पापा को इस समय आपकी जरूरत है, वो दुखी है, मायूस है, परेशान है। कहीं उन्होंने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया ना तो क्या करेंगी आप? खुद को कभी माफ कर पाएंगी? माँ, हिमानी ठीक कह रही है, आप इस समय घर जाइए, आपका वहां रहना जरूरी है। पर बेटा, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मैं अकेली वहां नहीं जाऊंगी। माँ, आप जिद मत कीजिए, बस कुछ ही समय की तो बात है, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे, और ये घर भी तो बगल में ही है ना। मैं आपसे मिलने आता जाता रहूंगा और पूजा भी आपसे मिलने आती जाती रहेगी। जी माँ जी, हम लोग दूर थोड़ी ना है, जब मेरा मन करेगा तो मैं आ जाऊंगी और जब आपका मन करेगा तो आप आ जाइएगा। ठीक है, तुम लोग घर पर आते जाते रहना। तो भैया मुझे बुला लिया होता, मैं खुद ही आपके दरबार में। हमारा पैसा पहुंचाने में देरी क्यों हो रहा है? उसी व्यवस्था में लगे हुए गुड्डू भैया, बस एक दो दिन में आपका पैसा पहुंच जाएगा। उल्लू समझे हो हमको तुम? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, विश्वंभर से 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हथियाने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर के मुंह में चारा डालने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, सिर्फ गुड्डू भैया का कमीशन देने के लिए व्यवस्था करना पड़ रहा है पैसों का।